अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे बॉलीवुड कल्ट फिल्म में क्यों गिनी जाती है? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। फूल और कांटे 1991 की कुक्कू कोहली द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की एक्शन रोमानी फिल्म। इसमें अजय देवगन, मधु, अरुणा ईरानी, जगदीप और अमरीश पुरी शामिल। इस फिल्म से अभिनेत्री हेमा मालिनी की भतीजी मधु और स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफर वीरू देवगन के बेटे अजय देवगन की शुरुआत हुई। फिल्म ने 1991 के लिए फिल्म फेयर पुरुष प्रथम अभिनय पुरस्कार अजय देवगन को जिताया। फिल्म में अजय देवगन की प्रविष्टि बहुत लोकप्रिय हुई, जहां वो दो चलती मोटरसाइकिलों पर खड़े होकर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तब से कई फिल्मों में इसी तरह के स्टंट दोहराए गए हैं। फिल्म सुपरहिट रही थी और इसने करीब 12 करोड़ रुपए की कमाई की थी। नागेश्वर यानी कि अमरीश पुरी एक बहुत बड़ा डॉन है और इसी रास्ते चलने के कारण वो अपनी बीवी को खो देता। उसका बेटा अजय यानी कि अजय देवगन उसे अपनी माँ के मौत का कारण मानता है और उससे नफरत करता है। जब अजय कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने लगता है, तब वहाँ उसकी मुलाकात पूजा यानी कि मधु से हो जाती। जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते और बाद में शादी कर लेते। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे दोनों गोपाल रखते हैं। नागेश्वर को लगता है कि वो अब बूढ़ा हो चुका है और अपने गद्दी में वो अपने बेटे को बिठाना चाहता है। इसके लिए वो अपने बेटे को मनाने की काफी कोशिश करता है, पर उसके बार बार इनकार करने के बाद नागेश्वर एक योजना बनाकर उसके बेटे का अपने दाहिने हाथ शंकर के हाथों से अपहरण करवाकर अपने बेटे के पास जाकर इस अपहरण को उसके विरोधियों की चाल बता देता है और मदद के नाम पर उसे अपने घर ले आता है। अपने बेटे को वापस पाने के लिए अजय अपने पिता के घर चला जाता है, पर उसका दाहिना हाथ शंकर विरोधियों से मिल जाता है। अजय को पुत्र को बचाने के लिए मजबूरन हथियार उठाने पड़ते हैं। अंत में गोपाल को बचाते समय नागेश्वर की भी मौत हो जाती है। इस फिल्म में पहले अक्षय कुमार को लिया गया था, पर बाद में उनके स्थान पर अजय देवगन को ले लिया गया। अक्षय का कहना था कि नदीम श्रवण के साथ मेरा म्यूजिक सेशन चल रहा था, मैं फिल्म फूल और कांटे की शूटिंग की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान एक कॉल आया और मुझसे कहा गया कि वह सुबह शूटिंग के लिए ना आए। वहीं अजय देवगन का कहना था कि मुझे नहीं पता था क्या सच है, मुझे बताया गया कि अक्षय नाम का कोई लड़का फिल्म कर रहा था जिसने बड़ी फिल्म के चक्कर में इस फिल्म को छोड़ दी है। मेरे पापा ने कहा कि तुम्हें फिल्म करनी है। मैं 18 साल का था, मुझे तो फिल्म करनी भी नहीं थी। तब मैं अक्षय कुमार को नहीं जानता था। इस तरह अजय देवगन को उनकी पहली फिल्म मिली। फूल और कांटे का साउंड ट्रैक संगीत जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा रचित किया गया। गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। एल्बम हिट और गाने तुमसे मिलने को दिल करता है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, मैंने प्यार तुम्ही से किया है बहुत लोकप्रिय हुआ। गायक कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अलका याग्निक और अलीसा चिनाय ने इस एल्बम में अपनी आवाज दी थी और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म को आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप अजय देवगन की किस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं।